तो आज की क्लास बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि आपने थंबनेल पर देख लिया दिस दैट दोस दिस इन सब चीज का आज मैं यूज बताऊंगा। बहुत ही शानदार क्लास है क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगा। यार यदि आप यहां पर आते हैं, आप यदि आप मेरे से जुड़ते हैं, यदि आप मेरी वीडियो को देखते तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं आप इंग्लिश सीख जाएंगे। देयर इज नो डाउट, यहां पर कोई संदेह नहीं। बस आप इसको देखिए, पूरा देखिए यार इंग्लिश कैसे नहीं आती। इंग्लिश एकदम आसान है, जो आपके अंदर हवा बना के रखा ना, इंग्लिश इज हार्ड, इंग्लिश इज नो, इंग्लिश इज नॉट हार्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। यार यह एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज को बोलना समझना कितना आसान है, लेकिन पहले इसको देखो तो कैसे नहीं आता, क्या चीजें हैं इसमें। हिंदी से भी आसान है, समझो तो इसको। अच्छा चलो हम लोग समझते हैं, पहले लिख देते हैं दिस, सिंपल सा आज मैं आपको इसका यूज बता रहा हूं, दिस दैट दिस दोस, राइट। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं दिस, राइट, दिस पढ़ते हैं और इसको दैट भी पढ़ते हैं, हम लोग भी दिस दैट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको लोग गलत पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं दीज, राइट, इसका साउंड क्या करते हैं दीज, इसका साउंड क्या करते हैं दोज, बट दैट इज अ रॉन्ग, इसको ऐसा नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, दी स दीस दोस दोस, इसको झटका से पढ़ेंगे दिस, इसको दीस, राइट, दिस दीस दैट दोस, राइट, दिस दैट दीस दोस, राइट। इसको ऐसे रीड करेंगे। अब रह गई बातें, इसको यार समझना बच्चों का खेल है, समझो तो। अच्छा दिस मीन्स क्या होता है, यह, दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, और दिस मीन्स क्या होता है, ए सब, ए सब, और दोस मीन्स क्या होता है, वे सब, राइट। बातें क्लियर हुई, तो दिस दैट दिस दोस, ओके। और ये हमेशा हमारे सब्जेक्ट के जगह पर ही काम आते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर याद, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी आएगा, लेकिन हम लोगों को समझना क्या जरूरी है, सब्जेक्ट के रूप में कैसे किसी सेंटेंस में किस तरीके से आते हैं। तो दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दिस मीन्स ए सब, दोस मीन्स वे सब। कुछ लोग दीज पढ़ते हैं, दोस पढ़ते हैं, आपको अलग अलग साउंड है, राइट। तो हम लोग जब दिस मीन्स यह होता है तो एक और मीनिंग हम लोग पढ़े, इट मीन्स भी यह होता है, आई टी इट मीन्स भी होता है यार। तो इट कहां लगाएंगे और कहां पर दिस लगाएंगे, बातें तो बड़ा यार कंफ्यूजन की बात है। तो हमने बताया था इट जो होता है यह हमेशा नॉन लिविंग के साथ होता है, किसके साथ होता है, नॉन लिविंग, जो निर्जीव होते हैं। लेकिन दिस दैट दिस दोट इसमें कोई कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि बस तुम लिविंग के साथ आना और तुम नॉन लिविंग के साथ आना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंसेस, यहां पर कोई ऐसा, लिविंग के साथ भी आ सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी आ सकते हैं, लिविंग के साथ भी आ सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी, निर्जीव के साथ, सजीव के साथ, सजीव के साथ, निर्जीव के साथ। यार इसको एकदम समझना आसान है, बहुत ही, समझो तो दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ए सब, दोज मीन्स वे सब, राइट। अब रह गई बातें, ये जो दिस दैट है ना, दिस दैट यह सिंगुलर है, क्या है, इट इज अ सिंगुलर, और ये हमारा क्या, इट इज अ प्यूरल। अब रह गई बात है सिंगुलर प्यूरल, तो आपको पता ही होगा सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, प्यूरल मीन्स बहुवचन, ओके, सिंगुलर प्यूरल। लेकिन यार दिस दैट है, दिस दोस एक कब लगाएंगे, दिस कब लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं, पहले इन दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, दिस और दैट का। दिस और दैट का कॉन्सेप्ट यदि ऐसा देखें तो दिस उस जगह लगाते हैं चाहे वह लिविंग हो, चाहे वह नॉन लिविंग हो, चाहे वह सजीव हो, चाहे वह निर्जीव हो, यहां पर कोई वैसा मतलब नहीं है, चाहे वह सजीव हो, निर्जीव, कुछ भी चीज हो, जिस भी चीजों को हम लोग पकड़ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई भी वस्तु रहे, यदि हम उसको पकड़ सकते हैं तो उसको बोलेंगे दिस, जैसे बोलेंगे इसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, राइट। तो जिसको छू सकते हैं तो बोलेंगे यस दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, जो कुछ उसको छू सकते हैं, जो तुम्हारे गिरोह में हो, जो तुम्हारे पकड़ में हो, जिसको तुम टच कर सको, वहां पर क्या लगाएंगे दिस, लेकिन जिसको तुम टच ही नहीं कर सको वहां पर लगाएंगे दैट, वो एक लाइट है, दूर है, इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो दैट इज अ लाइट, राइट, दैट इज अ मोबाइल, वह एक मोबाइल, वो मेरे गिरोह में नहीं है, वो मेरे पकड़ में नहीं, इसको छू नहीं सकते,
जिसको छू नहीं सकते उधर को क्या लगाना है दैट, जिसको छू सकते उसको दिस, राइट। लेकिन दिस का प्यूरल फॉर्म होता है दिस और दैट का प्यूरल फॉर्म होता है दोस। तो दिस मीन्स यह और इसका प्यूरल दिस, दैट मीन्स वह इसका प्यूरल दोस। ओके, अब दिस जो है पहले अलग अलग तरीके में इसको आता है, दिस हमारा सब्जेक्ट में आता है और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा इज आएगा, क्या आएगा इस, और प्यूरल तो इसके साथ में आएगा आर, इस आर, ये प्रेजेंट में आएगा ए है, और यदि था रहा है तो इसके साथ में आएगा वास और इसके साथ में आएगा वर, राइट। प्रेजेंट में है तो इस और पास्ट में है तो वास, इस आर वास एंड वर। ओके, बात क्लियर हुई? तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। दिस हमारा ये अकेले भी आ सकते हैं और इसके साथ में नाउन भी आ सकता है। जैसे कैसे अकेले आएंगे, कम नाउन आएंगे के साथ में आएंगे। अब जैसे मैं बोला यह एक पेन है, यह एक पेन है, अब देखो यह एक पेन है एकदम पास में है, एकदम इसको एकदम पास में इसको छू सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, तो यह एक पेन है, तो इसको क्या लिखेंगे दिस, क्या लिखेंगे दिस और इसके साथ में इज अ पेन, दिस इज अ पेन। मैंने बोला था कि जब कोई भी सेंटेंस करते हैं, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट पहचान लो और उसके बाद से वर्ब। हमारा सब्जेक्ट के काम किए कौन दिस और उसके बाद से वर्ब, बाकी जो बचता हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हुई? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब दिस इज, दिस इज, राइट, यह एक पेन है, राइट। अब यही पर यह हमारा दिस अकेले आया, इसके साथ में कोई नहीं। मैंने बोला कभी कभी दिस और दैट अकेले भी आ सकते हैं और दिस और दैट के साथ नाउन भी आ सकते हैं। तो नाउन कैसे बोल सकते हैं? मैं बोलूंगा कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो यह पेन, यह पेन, तो बोलेंगे दिस पेन। देखो अकेले ने इसके साथ में क्या आया, नाउन आया कि नहीं आया, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, राइट। मैं बोलूंगा यह एक साइकिल है, यह एक साइकिल है, तो बोलेंगे साइकिल के साथ, तो बोल सकते हैं दिस, इसको छू सकते हैं, दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ साइकिल, इसके साथ इट्स अ साइकिल भी बोल सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग है। लेकिन नहीं, ये तुम्हारे गिरोह में है, तुम्हारे पकड़ में है, तुम्हारे पकड़ में, इसको छू करके बोल रहे, देखो देखो इसको छू करके बोल रहे हो कि दिस इज अ साइकिल। जब तक छू करके बोलोगे दिस इज अ साइकिल, यह साइकिल है, तो वहां पर दिस का, लेकिन बोलेंगे यह साइकिल नया है, अब इसी के साथ में नाउन आ गया, यह के साथ में यह साइकिल नया है, तो बोलेंगे दिस साइकिल, दिस साइकिल इज न्यू, दिस साइकिल इज न्यू। तो हमने क्या बोला कि दिस हमेशा हमारा क्या आता है सिंगुलर है और सिंगुलर में क्या आएगा इस ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। लेकिन यदि है की बात आ रही है तो इज लगाते हैं और यदि था की बात आएगा तो वास लगाएंगे। जैसे यह एक घड़ी था, यह एक घड़ी था, तो बोलेंगे दिस वास अ वॉच, यह एक घड़ी था, दिस वाज अ वॉच, सिंपल सी बात है, यह एक घड़ी था, मतलब सिंपल ही लिखा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइनली दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये सब हमारे नजदीक के लिए, पास के लिए, क्लोजली जिसको छू सकते हैं, और दैट एंड दोस, दैट एंड दोस, ये सब दूर के लिए, दूर के, जिसको छू नहीं सकते, राइट। तो दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोस। बात क्लियर हुई? सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया, इज लग सकते हैं यदि है आता है तो, और यदि था आएगा तो वास, राइट, और प्यूरल में आर नहीं तो वर। हम लोग एक एक एग्जाम्पल से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए चलते हैं। और दिस दैट इन सबों के बाद हमारे नाउन भी आ सकता है, राइट, मैंने बताया भी। और अगली बात दैट का समझते हैं, दैट मतलब वह, जब दूर की बात है, जिसको छू नहीं सकते, जो मेरे गिरोह में ना हो, जो मेरे पकड़ में ना हो, वह एक मोबाइल है, वह एक मोबाइल है, मेरे पकड़ में नहीं है रे भैया, वह एक मोबाइल है, तो बोलेंगे दैट
इज अ मोबाइल, दैट इज अ मोबाइल, वह एक मोबाइल है, लेकिन यहां पर दैट दैट अकेला है। मैं बोला इसके साथ में नाउन भी आ सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा वह मोबाइल मेरा है, सिंपल सी बात है। तो दैट मोबाइल इज माइन, वह मोबाइल मेरा, प्रेजेंट में आया है, है? राइट। अब इसका सिंगुलर में, तो सिंगुलर में क्या लगा इज, सिंगुलर में क्या लगा इज, यदि प्यूरल भी आ जाए तो क्या, प्यूरल मतलब वे सब, दूर की बात है, वे सब, हा? वे सब, जैसे वे सब आम है, वे सब अनार है, ऐसे कुछ आएगा, दूर में, पास में नहीं, पास में नहीं, जब दूर की बात आएगी तब, तो मैं लिख देता हूं वे सब, आप पकड़ नहीं सकते हो, दूर की बात है, वे सब आम है, तो बोल सकते हैं दोज, दोज आर मैंगोज, ज्यादा आम है, देखो दोज दैट दोज, इसके पास कोई नाउन नहीं आया ना। अब इसको प्यूरल फॉर्म में कैसे आएगा, इसके साथ में कोई नाउन आएगा तो हमारा कहेगा वे सब आम, जैसे वे सारे आम, वे सारे या वे सब आम मेरा है, तो बोलेंगे दोस मैंगो, दोस मैंगोस इज माइन, वे सब आम मेरा या वे सारे आम मेरा, तो सिंगुलर भी आया प्यूरल भी आया, कोई बात यार कंफ्यूजन की है ही नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है रे भैया, कुछ समझने की देरी नहीं है, सिंपल सा। अब देखो सिंगुलर के साथ बना भी सकते हैं, प्यूरल के साथ भी, प्रेजेंट के साथ भी बना सकते हैं, पास्ट के साथ भी, है भी आएगा तो इज लगाना है, सिंगुलर में रहेगा तो इज, प्यूरल में रहेगा तो आर, पास्ट में यदि था गया तो वास, नहीं तो वर। अच्छा पास्ट की बात है तो वह मेरा घर था, वह मेरा घर था, छू नहीं सकते, अब बोल सकते हैं कि दैट इज, सॉरी इज तो नहीं होगा क्योंकि था और दैट आया तो सिंगुलर है, दैट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या था का वास लगेगा, तो दैट वास माई होम, सिंपल सी बात है, दिस दैट सिंगुलर, दिच दोच प्यूरल, बातें आसान है। ओके अब देखो बोल सकते हैं कि ये सब मेरी किताब है, ये सब मेरी किताबें थी, पास्ट में कर दो, ये सब तो दीस लगा दिया, टी एच एस दीस वर, क्योंकि प्यूरल में वर लगेगा, था थी का, तो दीस वर माय बुक्स, बताओ यार कुछ है क्या, है तो इज लगाओ, था है तो वास लगाओ, ये हमारे इस और वास किसके साथ आएंगे, सिंगुलर के साथ आएंगे, किसके साथ, सिंगुलर, एक किसके साथ आएंगे, प्यूरल के साथ में आएंगे, किसके साथ, प्यूरल, बातें आसान है यार, है यार, तो इज डालना, सिंगुलर कौन है इसमें, दिस और दैट है, प्यूरल कौन है, दिस और दोस है, तो हमारे किसके किसके साथ में आएंगे, दिस एंड दैट के साथ में, और एक किसके साथ में आएंगे, दिस एंड दोस के साथ में, राइट। अब मैं बोलूंगा कि वह एक गाय है, वह एक गाय है, वह एक गाय है, तो दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वह एक गाय थी, वह एक गाय थी, तो दैट वाज अ काउ, बड़ा यार इतना सिंपल है, वह मेरी साइकिल थी, वह मेरी साइकिल थी, पर हम नहीं है तो हम क्या करें भैया, तुमने बेच दिया, वह मेरी साइकिल थी, दैट वाज, दैट थी, दैट वाज माई साइकिल, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो, कुछ भी चीजों को पकड़ के छू करके बोलो, दिस इज माई पेन, या मेरा पेन है, दिस वाज माई पेन, या मेरा पेन है, वो जो छाता है, दैट इज अम्ब्रेला, दैट इज अम्ब्रेला, यह वह एक छाता है, वह एक छाता था, दैट वाज अम्ब्रेला, सिंपल सी बात है। इसी का प्यूरल के फॉर्म में वो, ये सब लोग हैं, दीज आर पीपल्स, दीज आर पीपल, ये सारे के सारे लोग मेरे हैं, दिस पीपल आर माइन, ये सारे के सारे लोग मेरे घर के हैं, दिस पीपल्स आर एट माई होम, राइट। तो सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है, दिस दैट दिस दोस का प्रैक्टिस कर डालो, चीजें आसान है कि नहीं है, अरे यार अच्छा लगा ना, समझ आ रहा तो यार कमेंट में मारो ना, कमेंट ठोको, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, इसका कंसेप्ट को समझना एकदम बच्चों का खेल है,
प्रैक्टिस कर डालो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, जैसे मान के चलो ये बोतल है, बोतल बोतल, तो इसको हम लोग दिस के साथ बोल सकते हैं। अच्छा दिस इज अ बोतल, दिस इज अ बोतल, दिस वॉज अ बोतल, दैट इज अ बोतल, दैट वॉज अ बोतल, सिंपल सी बात है। दीज आर बोटल्स, दोज आर बोटल्स, दीज वर बोटल्स, दोस वर बोटल्स, सिंपल सी बात है। कोई एक ऑब्जेक्ट लो, उस पर दिस दैट दिस दोस इस वास वर सबके साथ बोल डालो, सबके साथ प्रैक्टिस कर डालो, यार चीजें आसान हो जाएंगी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो उसके साथ प्रैक्टिस कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, एकदम आसान बिल्कुल कंसेप्ट। चलो एक प्रैक्टिस करो, चलो मेरे साथ में प्रैक्टिस करो। मैंने दिया पेन, क्या दिया पेन दी, अब इसके साथ प्रैक्टिस करना है। पेन का तो मीनिंग लर्न करना नहीं है, तो मैं बोलूंगा यह एक पेन है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ओके, वह एक पेन है, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ओके, यह एक पेन था, दिस वाज अ पेन, दिस वाज अ पेन, दिस वाज अ पेन, वह एक पेन था, दैट वाज अ पेन, दैट वाज अ पेन, ये सब पेन है, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, सिंपल सी बात है यार। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लो भैया, उसके साथ दिस दैट दिस दो सबके साथ प्रैक्टिस कर डालो, यार चीजें आसान हो जाएंगी। देखो समझना बड़ी आसान है, लेकिन रह गई बात इसको जुबान पे लाना, इसको जुबान पर लाने के लिए यार इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यदि आपको समझने में बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन जुबान पे तब तक नहीं आएगा जब तक आपके प्रैक्टिस नहीं होगा। यू मस्ट हैव अ प्रैक्टिस ओनली यू कैन स्पीक। यदि आपके अंदर स्पीकिंग करने की लालसा है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप एक सेंटेंस नहीं, 10 सेंटेंस, 1000 सेंटेंस से प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। यू मेक ए प्रैक्टिस हाफ आवर, 1 आवर, यू सिंपल सा यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर, आप एक मिरर के सामने खड़े होकर गए, या सिंपल सा बिस्तर पे बैठी कभी भी आप एक सिंपल सा कुछ भी वर्ड लीजिए और उसके साथ दिस दैट दिस दोस का प्रैक्टिस कर डालिए। देखिए इंग्लिश कैसे नहीं आती है, इंग्लिश बोलना एकदम आसान हो जाएगा, बच्चों का खेल है।